जानवर एक परिवार की तरह इस जंगल में रहने लगते हैं। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे। इन रंगीन शेरों का सरदार एक सफेद शेर था और इसी जंगल के दूसरी ओर रंगीन बाघों का एक कबीला भी रहता था। इस कबीले का सरदार एक बाघ मानव था। इन दोनों कबीलों के बीच रोजाना किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। इस लड़ाई में दोनों ही कबीलों का बड़ा नुकसान होता रहता था। किसी लड़ाई में बाघ के कबीले का नुकसान होता तो कभी रंगीन शेरों के कबीलों का नुकसान होता था। एक दिन रंगीन शेरों के कबीलों के सरदार सफेद शेर ने रंगीन बाघों के सरदार बाघ मानव को एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और उससे कहा, सुनो बाघ मानव, रोजाना हम दोनों कबीले किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में हम दोनों कबीलों का भारी नुकसान होता है। आखिर हमें रहना तो इसी जंगल में ही है ना, क्यों ना हम एक समझौता कर लेते हैं। सफेद शेर, कैसा समझौता बताओ मुझे। तो सुनो, हम ये जंगल को दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक हिस्सा तुम्हारे कबीले का होगा और दूसरा हमारे कबीले का। बोलो, क्या तुम इस बात से सहमत हो? हाँ ठीक है सफेद शेर, मैं सहमत हूँ। तब इन दोनों कबीलों के जानवर अपने अपने हिस्से में रहने लगे। फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है और वे रंगीन शेरों के कबीलों पर पहुंचता है और वहां पर बहुत सारे रंगीन शेर देखता है। अरे वाह, इतने सारे रंगीन शेर, आज तो मजा आ जाएगा जब मैं इन सब को अपना भोजन बनाऊंगा। हा, 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 हा। तब ये डायनासोर इन रंगीन शेरों पर हमला कर देता है और रंगीन शेर को पकड़कर खा लेता है। तब कुछ रंगीन शेर दौड़कर अपने सरदार सफेद शेर के पास पहुंचे। उनमें से एक शेर बोला, महाराज महाराज, हमारे कबीले में एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ गया है और उसने कुछ रंगीन शेरों को खाना शुरू कर दिया, कुछ करो महाराज। अच्छा तो ये बात है, तो सुनो दोस्तों, माना कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उस डायनासोर का मुकाबला करने के लिए हमें और ताकत चाहिए होगी और वे बाघ मानव के कबीले से ही मिलेगी। मुझे बाघ मानव से इस बारे में बात करनी होगी। तब सफेद शेर बाघ मानव के पास पहुंचा और बोला, ए बाघों के कबीले सरदार बाघ मानव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल हमारे कबीले में एक डायनासोर ने हमला कर दिया है, क्यों ना हम दोनों कबीले मिलकर उस डायनासोर को खत्म कर दे। बाघ मानव सफेद शेर की मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है। सफेद शेर, हमें तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, ये मुसीबत तुम्हारे कबीले पर आई है, मेरे कबीले पर नहीं, इसलिए इस समस्या से तुम ही निपटो। अगले दिन वे डायनासोर बाघ मानव के कबीले में पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे रंगीन बाघ को देखता है। अरे वाह, इस जंगल में तो रंगीन बाघ भी रहते हैं और वो भी बहुत सारे, चलो इनका भी शिकार करता हूँ। तब वे डायनासोर रंगीन बाघों पर हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है। जब बाघ के कबीले के सरदार बाघ मानव को ये बात पता चली कि वह डायनासोर हमारे कबीले में आ गया है और उसने रंगीन बाघों को खाना शुरू कर दिया है, तो वे बहुत दुखी होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे रंगीन शेरों के कबीले के सरदार सफेद शेर की बात मान लेनी चाहिए थी, अब मुझे उनके पास जाना ही होगा। तब वे बाघ मानव रंगीन शेरों के सरदार सफेद शेर के पास पहुंचा और बोला, सफेद शेर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, उस डायनासोर ने हमारे कबीले पर भी हमला कर दिया है, अब हमें मिलकर उस डायनासोर को सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं बाघ मानव, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि एकजुटता में ही ताकत है, चलो चलते हैं उस डायनासोर को खत्म करते हैं। तब दोनों कबीलों के रंगीन बाघ और शेरों ने मिलकर उस दुष्ट डायनासोर को जान से मारने की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार एक शेर उस डायनासोर के पास से गुजरता है। जैसे ही वह डायनासोर उस शेर पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तब सभी बाघ और शेरों ने एक साथ मिलकर उस डायनासोर पर जोरदार से हमला कर दिया और उसे मार मार कर नीचे गिरा दिया।
और उसे नोच नोच कर खाने लगे। और इस तरह से सभी ने एकजुटता के साथ इस डायनासोर का खात्मा कर दिया है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर सभी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को